हरे कृष्ण राधे राधे जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। माता शाकंभरी देवी को दुर्गा का ही रूप माना जाता है। मान्यता है कि पौष मास की पूर्णिमा को माँ दुर्गा ने मानव कल्याण के लिए शाकंभरी का रूप लिया था। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शाकंभरी माता की व्रत कथा, कहानी, महत्व और भी अन्य जानकारियाँ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, जो कि पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कथा सुनाने वाले हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। आप अक्षत पुष्प ले लें, साथ में एक जल का लोटा ले लें, उसके बाद में आप कथा सुने हुंकारा भरते हुए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए, तभी उन्हें व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी कथा जरूर से सुननी चाहिए, उन्हें कथा का भी सौभाग्य प्रदान होता है। तो भक्तों, देरी न करते हुए मैं कथा शुरू करती हूँ। शुरू कथा इस प्रकार से है। भक्तों, देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु थे। रुरु का एक पुत्र था जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के लुप्त हो जाने से सारी गतिविधियां लुप्त हो गईं। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। चारों तरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्महीन हो जाने के कारण यज्ञ कर्म बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी जानवर को पानी नहीं मिल रहा था। जल की कमी के कारण वनस्पति भी सूख गई, जिससे सभी जीव जंतु भूख प्यास से मरने लगे। दुर्गमासुर का देवताओं से भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हो गए। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवता शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए और जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन तथा स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ पार्वती, जो महेशानी, भुवनेश्वरी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, सहारनपुर शक्ति पीठ के स्थान पर अयोनिजा रूप में प्रकट हुई। संपूर्ण सृष्टि की दुर्दशा देखकर जगदम्बा बहुत दुखी हुई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसुओं की धारा से सभी नदियां और तालाब जल से भर गए। उस देवता ने माता की आराधना शताक्षी देवी के नाम से की। शताक्षी देवी ने दिव्य सौम्य रूप धारण किया। माता चतुर्भुजी कमलासन पर विराजमान थी। उसके हाथों में कमल, बाण, जड़ी बूटी और फल तथा एक शानदार धनुष था। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेक औषधियां प्रकट की। उन्हें खाकर संसार की सुधा शांत हो जाती थी। माता की नजर पर्वत पर पड़ी तो सबसे पहले सरल नामक कंद का जन्म हुआ। इस दिव्य रूप में माँ को शाकंभरी देवी के नाम से पूजा जाने लगा। इसके बाद उन्होंने दुर्गमासुर को लुभाने के लिए सुंदर रूप धारण किया और शिवालिक पर्वत पर बैठ गई। जब असुरों ने जगदम्बा को पहाड़ी पर बैठे देखा तो वे उन्हें पकड़ने के विचार से आए। स्वयं दुर्गमासुर भी आ गया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई।
देवी का दुर्गमासुर से भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थान पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर और अन्य राक्षसों का वध किया था और भक्त भूरे देव भैरव का एक रूप को अमरता का आशीर्वाद दिया था। साकंभरी देवी के दर्शन के लिए जाएं। जिस स्थान पर माता ने राक्षस दुर्गमासुर का वध किया था वह स्थान अब वीर खेत की भूमि है, जहां माँ सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की चोटी पर विराजमान थी। वहां देवी शाकुंभरी का मंदिर है, जिस स्थान पर माता ने भूरा देव को अमरता का वरदान दिया था उस स्थान पर बाबा भूरा देव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य और हरी भरी घाटी से भरपूर यह क्षेत्र उपासकों का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक ही देवी के नाम है। तो भक्तों, ये था शाकुंभरी देवी का व्रत कथा, ये कहानी। बोलिए शाकुंभरी माता की जय, दुर्गा मैया की जय, शताक्षी मैया की जय। भक्तों, उसके बाद में हमें यहाँ पर विनायक जी की कथा सुननी होती है। कथा मैंने जो गणेश जी की कथा है, जो व्रत करते हैं उन्हें इस कहानी के बाद विनायक जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। और उसके बाद में जो आपने अक्षत और पुष्प लिए हैं ये भगवान के माता के चरणों में समर्पित कर देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। विनायक जी की जो कथा है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए जानते हैं थोड़ी सी और जानकारी जो माता शाकंभरी के बारे में है। शाकंभरी देवी जयंती हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन माँ आदिशक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी देवी के रूप में सौम्य अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि देवी भगवती ने पृथ्वी पर अकाल और गंभीर खाद्य संकट को कम करने के लिए शाकंभरी के रूप में अवतार लिया था, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, जिसका अर्थ है शाक, जिसका अर्थ है सब्जी और शाकाहारी भोजन, और भारी का अर्थ है धारक। इसलिए उन्हें सब्जियों, फलों और हरी पत्तियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, और उन्हें फलों और सब्जियों के हरे परिवेश के साथ चित्रित किया गया है। शाकंभरी देवी को कुछ स्थानों पर चार भुजाओं और आठ भुजाओं वाली भी दर्शाया गया है। मां शाकंभरी को रक्त दंतिका, छिन्न मस्तिका, भीमा देवी, भामरी और श्री कनक दुर्गा कहा जाता है। माता श्री शाकंभरी के देश में अनेक पीठ हैं, लेकिन शक्ति पीठ एक मात्र ऐसा है जो सहारनपुर के पहाड़ी हिस्से में है। यह मंदिर उत्तर भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है और वैष्णो देवी के बाद उत्तर भारत का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और उत्तर भारत की नौ देवियों में शाकंभरी देवी नौवीं और अंतिम देवी मानी जाती है। नौ देवियों में मां शाकंभरी देवी का रूप स्वरूप सबसे दयालु और सहन्यमयी है। माँ है, अब जाइए जानते हैं उत्सव किस प्रकार से होता है। माता श्री शाकंभरी के जन्मोत्सव पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख मंदिर शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में स्थित है। इस दिन लाखों श्रद्धालु शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में माँ के दर्शन के लिए आते हैं। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर को शक्ति पीठ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ दो और मंदिर है जो शाकंभरी माता शकार्य पीठ और शाकंभरी माता सांभर पीठ है। मान्यता है कि शाकंभरी माता की पूजा करने से अन्न, फल, धन, धान्य और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर की अधिष्ठात्री देवी हैं। बोलिए शाकंभरी मैया की जय। भक्तों, इसके बाद में
हमें माता से क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है और जो अक्षत पुष्प लिए हैं माता के चरणों में छोड़ देना है। यदि आपको यह जानकारी और कथा की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में शाकुंभरी मैया की जय अवश्य रूप से लिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।